नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। चलिए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। पत्रकारों पर हमले की खबर आए दिन सुनाई देने लगती है। भारत के चौथे स्तंभ के तौर पर देखे जाने वाली पत्रकारिता आए स्वयं खतरे में है। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी निवासी महिला पत्रकार मुस्कान लखनऊ से प्रकाशित पब्लिक शक्ति न्यूज पेपर की रिपोर्टर है। बीते 1 सितम्बर को ऑफिस से घर जा रही महिला पत्रकार पर छुयापुरवा के पास पहले से घात लगाए बैठे हिस्ट्री शीटर असद हुसैन व उनके अन्य साथियों द्वारा महिला पत्रकार की स्कूटी को रोककर महिला के ऊपर चाकू से जानलेवा हमला कर मरणासन्न अवस्था में छोड़कर भाग गए। राहगीरों द्वारा पुलिस को घटना की सूचना दी गई। स्थानीय पुलिस द्वारा महिला पत्रकार को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। महिला पत्रकार मुस्कान की माँ श्रीमती संगीता के मुताबिक गाँव के ही प्रवेश अयोध्या राम कुमार अवध राम से पुरानी रंजिश चल रही है। स्टी सीटर अरशद हुसैन द्वारा ही लोगों के कहने पर जानलेवा हमला किया गया। वहीं पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी महिला पत्रकारों को अभियान बदलने का भी दबाव बना रहे हैं। महिला पत्रकार ने सोशल मीडिया के माध्यम से न्याय की मांग की। वहीं पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 324, 506 व 120 के तहत स्टी सीटर व उनके अन्य अज्ञात साथियों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। एक महिला पत्रकार पर हमला होना पत्रकारों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े करता है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमला किया गया। इससे पहले भी कलम के सिपाहियों को ऐसे हमले से दो दो चार होना पड़ा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की सरकार का पत्रकारों के लिए उदासीन रवैया साफ दर्शाता है कि राज्य में पत्रकारों के हितों का गला घोंटा जा रहा है। आज महिला पत्रकार पर हुए हमले के पीछे क्या कारण था, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन वजह चाहे कुछ भी रही हो, पर एक पत्रकार पर जानलेवा हमला करना किसी भी तरह ठीक तो नहीं ठहराया जा सकता। पत्रकारों का उत्पीड़न उत्तर प्रदेश में अपने चरम पर पहुंच चुका है। वीडियो के वायरल होने के बाद भी अभी तक उक्त हमलावर पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और सरकार पत्रकारों को लेकर हवाए दावे करने से बाज नहीं आ रही। आपको अलग हम अपने हाथ कर सकते हैं पेट पे, और वैसे भी मेरे पास मजबूरी कौन सी होगी जो हम इतना बड़ा अपने आप घाव करेंगे। अब पुलिस का कहना है कि हम झूठ बोल रहे हैं। क्या यहाँ तो इंसान एक उंगली तो काट नहीं पाता है, इतना बड़ा वो भी पेट पे जख्म कर लेगा। आप लोग खुद बताइए। अब पुलिस दोषियों को ढूंढने की जगह मुझी पे इल्ज़ाम लगा रही है, हम पर ही इल्ज़ाम लगा रही है। बोल रही है कि नहीं ये झूठ बोल रही है। पुलिस प्रशासन मेरे ऊपर दबाव डाल रहा है, रोज़ आता है 10 बजे 11 बजे 12 बजे आता है, दिन में कोई बयान लेने के लिए तैयार नहीं है। 10-12 बजे लोग आते हैं हम पर दबाव डालने के लिए। अब आप लोग बताइए हमको इंसाफ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। पुलिस तो कोई भी सुनवाई कर ही नहीं रही है, ऊपर से वो जितने भी ऊपर के हैं कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। बाकी सब लोग बोल रहे हैं कि ये मैंने चोट खुद से ली है। अगर अपनी पुलिस हम लोगों को पास अपनी लड़की के जाने नहीं दिया, इतना हमसे कहा। और सर वो लोगों ने कहा कि दूर से हम सुन रहे थे, जब वो भगा रहे ऐसे ऐसे कर रहे तो हट जाते, फिर आ जाते हम करीब में जीने के पास। तो उसने बेटी से हमारी कह रही थी कि बोलो कि चाकू हम खुद से मारा है। किसने? प्राची सिंह। प्राची सिंह जी, प्राची सिंह ये बोल रही थी। आप सुना था? हमने सुना था, हमने वही जीने के पास थी, जीने के पास ऐसे पड़ी थी चरपैया, उस पे हमारी बेटी लेटी थी। तो जब ये लोग भगाते थे तो थोड़ा हट जाते थे, फिर हमारा दिल नहीं मानता क्योंकि हम माँ है ना, जब हमारी बेटी इतनी घायल है तो हम कैसे दूर रह सकते हैं। जब हम ही लेके आए तो हम कैसे दूर रह सकते हैं सर। तो उन्होंने ऐसे धम कहा कि हमारी बेटी से जबरदस्ती बयान लेके चली गई प्राची सिंह, और सर हम लोगों को इंसाफ चाहिए कि हमारी बेटी के साथ इंसाफ हो सर। बस हम इतना आप लोगों से कहना चाहते हैं कि हम लोग गरीब समाज के हैं और हमारी गरीबी देख के हम लोगों को सताया जा रहा है। ये मत भरोसा रखिए, न्याय मिलेगा सर, हमको न्याय चाहिए। ठीक है, रोइए मत, न्याय मिलेगा, जरूर मिलेगा।